नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर की एकता विहार कॉलोनी में रविवार को चर्च के सामने हिंदू परिवार के एक घर में कीर्तन के समय लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर विवाद हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हिंदू संगठन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। यमुनानगर के फरपुर इलाके में पड़ते एकता विहार कॉलोनी में बने चर्च और हिंदू परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चलता रहा है। कुछ समय पहले पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने दोनों पक्षों का मामले में निपटारा करवाया था और दोनों ही पक्षों का लाउड स्पीकर न चलाने पर समझौता हुआ था। वहीं रविवार को हिंदू परिवार के लोग श्रावण मास का संकीर्तन कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान हिंदू संगठनों ने पुलिस पर जूते पहनकर कीर्तन में अंदर जाने और परिवार को धमकाने के आरोप लगा दिए। मौके पर काफी देर तक विवाद चलता रहा और इस दौरान हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वो सिर्फ लाउड स्पीकर की आवाज बंद करवाने पहुंचे थे ताकि कानून व्यवस्था खराब ना हो। उन्होंने कहा कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि इस विवाद के बाद हिंदू संगठन ने फरकपुर पुलिस के खिलाफ फरकपुर पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल देखना यह होगा कि यहां उपजा ये धार्मिक विवाद आखिर कब तक शांत होता है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। हम यहाँ आए, वो महिला ने फोन किया आकर के कि जी एक पुलिस वाला आया है, बदतमीजी हमारे साथ कर रहा है, जूते पहन के हमारे मंदिर में घुसा है। अब अगर हम बोल ले, ये देख लो विधायक जी है क्या, सुन रहे हैं या फरीदाबाद बैठे आप, राजेश सबरा जी आप सुन रहे हैं, आप देख लो इन इंचार्ज का, इनका चेहरा देखो आप, ये मंदिर में जाकर के आपके यमुनानगर में कौरपाल जी आप इसलिए लाए क्या यहाँ पर ऐसे अधिकारियों को माफ करना हमारे मंदिरों में ऐसे होगा, चर्च में घुस के दिखा दो आप, हद हो गई, ये कैसे बर्दाश्त कर ले। और ऊपर से हमें डरापा, ये डायरी देखो, ये डायरी अगर हम बोलेंगे, नाम दो अपना, कौन है आप, ऐसे चलेगा, टाल दो सुली पे, हमें टाल दो सुली, दो आदमियों को उठा करके गाड़ी में ले लिया। वो बोले मतलब बहनों के साथ कीर्तन करते हुए बदतमीजी होगी, वो बहन का इंटरव्यू लो आप, आपके सामने उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदतमीजी करी है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो, और अगर उस परिवार का कोई कंप्रोमाइज है तो दिखा दे ऐसे तो साहब, क्या इस पूरी कॉलोनी में कीर्तन नहीं होगा? एसपी साहब को हर बात गलत बता रहे हैं, इतने चुपचाप कीर्तन हो रहा है, बड़ी शांति से कीर्तन हो रहा था, यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं था जी, बड़ी शांति से जेल में डाल दो हम लोगों को। किस चीज को लेकर आज यहाँ बात हुई? ये चर्च का विवाद रहता है, इन दोनों पक्षों का विवाद रहता था, इनका थाने में आपस में बैठ के इनकी बात हुई थी दोनों पक्षों की, हम आपस में कोई भी स्पीकर वगैरह यूज नहीं करेगा और अपने जो शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करेंगे। तो दूसरे पक्ष का जो घर, ये पहले साइड वाला ये घर था, इस घर को छोड़ के इसके पीछे वाले घर में इन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया और माइक यूज करना शुरू। तो सर ये कह रहे हैं सावन का दिन है और क्या पूरे मोहल्ले में चलाना अलाउड नहीं है? नहीं, पूरे मोहल्ले में अपना चलाओ, लेकिन आवाज लिमिटेड रखनी चाहिए। और वो भी चीज, ये घर इस घर के बिल्कुल साथ वाला ही घर है, बीच में एक छोटा सा प्लाट है, लेकिन चर्च के लगभग सामने ही पड़ता है। और सर आपके ऊपर आरोप भी लगाए गए हैं सर, क्या आप जूते डाल के अंदर? नहीं जी, वो घर था और मैंने बाहर जैसे गेट में खड़े होकर इनको, महिलाओं को और ये आदमी घर वाले थे, गोविंद जी है पता नहीं कौन है, उनको मैंने बोला था कि भाई आप इसको आवाज को बंद रख लो जी, ठीक नहीं है तेज रखना जी, क्योंकि पहले ही इस जगह पे विवाद है काफी और आप इसको लिमिटेड उसमें रखें, आप अपना करें शांतिपूर्वक, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप कुछ भी कीर्तन करना हो अपने, जैसे वो ढोलक बजा रहे हैं आप भी ढोलक बजा लीजिए आराम से अपना शांतिपूर्वक करो, लेकिन इस तरह विवाद को मत बढ़ाइए, ये चीज थी। तो दिनेश जी यहाँ पे महिलाएं भी कुछ आरोप लगाती हुई नजर आ रही है जी, मैं आप अगर उन्होंने वीडियो बनाई है तो वो दिखा दे, मैं बिल्कुल उस गेट से, जैसे नहीं घर का घर है पीछे घर के गेट के अंदर, मेरी शायद एक डंग से ज्यादा नहीं गया हूँगा मैं घर के अंदर था, और उसके साइड में उनका वो बिछा हुआ है जो करड वगैरह बिछा रखा है, उस पर वो करने के लिए अपने हवन कीर्तन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो मैं वहाँ तक भी नहीं गया, मैं बिल्कुल गेट तक गया हूँ और वहीं तक। तो दिनेश जी अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या इसमें हम निवारक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये विवाद हो सकता है इस जगह पे बढ़ सकता है, इसमें हम निवारक कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल दिनेश कुमार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।